हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नर है एंड आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि हाउ टू मूव मेल बॉक्स टू अनदर डाटाबेस। तो जैसे कि एक डाटाबेस में आपका मेल बॉक्स है, तो उसका जो डाटाबेस है वो कैसे चेंज करें और जो सारा डाटा है वो कैसे उसमें मूव करें, ठीक है। तो यही इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए एडमिन सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपन एक कॉलम ऐड और कर लेते हैं, ठीक है। ऐड ए कॉलम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक डाटाबेस वाला मैं कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो उससे क्या है कि अपने को सबके डाटाबेस दिखाएंगे कि कौन से यूज़र का कौन सा डाटाबेस यहाँ पे है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर वाले का जो डिफ़ॉल्ट मेल बॉक्स नाम से वो है, एंड जो नेहरा वाले का है वो विकास DP1 है, और विकास वाले का भी विकास DP1 है, ठीक है। सुनील वाले का ये है मेल बॉक्स डाटाबेस ये है। तो मैं क्या करता हूँ, सुनील वाले का ये ना डाटाबेस मूव करके विकास DB1 करता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको सुनील को करना सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट करते ही साइड बार में आपको देख देखना नीचे ही नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा मूव मेल बॉक्स, तो इस पे क्लिक करना है टू अनदर, है ना, ये इस पे क्लिक करना आपको डाटाबेस पे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट यहाँ पे आएंगे न्यू माइग्रेशन बैच नेम। तो मैं यहाँ पे सुनील ही लिख देता हूँ, है ना, सुनील, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि मूव द प्राइमरी मेल बॉक्स एंड द आर्काइव मेल बॉक्स इफ वन एग्जिस्ट। तो ये कह रहा है कि जो प्राइमरी मेल बॉक्स और जो सेकेंडरी मेल बॉक्स होता है आर्काइव वाला, मैंने इस पे भी वीडियो भी बनाया, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये दोनों मूव करने हैं तो इस पे आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपको ओनली प्राइमरी मेल बॉक्स ही मूव करना है, आर्काइव वाला मूव नहीं करना है, तो फिर आप ये वाला सेलेक्ट करें। या फिर नीचे वाले में यह है कि आपको ओनली आर्काइव वाला जो सेकेंडरी मेल बॉक्स होता है वो ही मूव करना है और प्राइमरी नहीं करना है, तब आप ये वाला सेलेक्ट करें। तो मेरे को करना है ये वाला। अगर एक तो प्राइमरी तो अपने को करना ही करना है, अगर आर्काइव वाला क्रिएटेड है, अनेबल है इस वाले यूज़र पे, तो वो भी साथ में इसके साथ मूव हो जाएगा नए डाटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को टारगेट डाटाबेस देना है, टारगेट मैं डाटाबेस देता हूँ विकास DB1, क्योंकि अभी जो इसका डाटाबेस है वो ये मेल बॉक्स डाटाबेस ये वाला नाम है इसका, ठीक है। और मैं अभी इसको देता हूँ विकास DB1। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। अगर मान लीजिए आर्काइव वाल यहाँ पे इसमें है ना, सुनील के यहाँ पे आर्काइव वाला भी अगर एनेबल होता तो उसको भी आप यहाँ पे एक डाटाबेस दे सकते थे, लेकिन इसमें एनेबल है नहीं। अगर एनेबल है तो उसका भी आप डाटाबेस यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, एंड उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक, और फिर यहाँ पे एक मेल एड्रेस इसको देना होगा कि जब ये माइग्रेशन हो रहा है तो कंप्लीट होने के बाद एक फॉलोइंग मेल जाता है, तो वो किस पे जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, या आप अगर किसी और को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो उस पे वो रिपोर्ट या मेल चली जाएगी, उस रिसिपिएंट को वहाँ पे मेल चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है यही मैं रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे दोनों में आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लीज वेट वेट आ रहा है। उसके बाद अपना जो माइग्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। डी यू वेंट टू गो टू द माइग्रेशन डैशबोर्ड, ओके यस। तो यहाँ पे अपन ये तो है मेल बॉक्सेस में, एंड यहाँ पे आप जैसे ही माइग्रेशन में आओगे तो यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। और अभी इसका जो है ना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी इसका है मेल बॉक्स डाटाबेस ये है। जैसे ही ये माइग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से ये भी चेंज हो जाएगा,
तो मैं वेट करता हूँ चेंज होने का, उसके बाद आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसका जो सुनील वाले का ना, वो डाटाबेस यहाँ पे चेंज हो गया है, विकास TB1। तो ऐसे आप यहाँ से एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में आप इसको मूव कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर वाले को भी आप कर सकते हो, सभी को। एंड जैसे मान लीजिए आपको अनदर पे करना है इससे, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही बताना था कि आप कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।